हो सकता है सबके इतिहास को पता भी नहीं हो, लेकिन जब हमारी नॉलेज में कोई डाल के आता है तो हम जितनों को जानते हैं पूरा सहयोग करके उनको उनके हवाले करते हैं, उनका पता बताते हैं। कोई चौकी इंचार्ज ऐसा नहीं होगा जो ये कहेगा कि मैं तो पहले बता देता हूँ आगे देखो यार ये कुछ कहीं मत जाइयो। अगर हुआ होगा मैं अपनी तरफ से जिम्मेदारी लेता हूँ, अगर मेरे को कोई सूचना देगा आप में से कोई भी मौजूद व्यक्ति कोई छोटा बच्चा जिसको लगता है कि हाँ वो नशे के खिलाफ है, मुझे 88 140 11 527 मेरा नंबर है, इस पर कोई भी सूचना देगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कार्रवाई जो होगी होगी, आपका नाम आपकी पहचान कहीं उजागर नहीं होगी, और अगर सूचना काबिले गौर होगी और काम करने के लायक होगी तो उस पर तो कारीगर के विचार विमर्श करके तुरंत कार्रवाई करी जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि मतलब मैं चाहता हूँ आप लोगों से सहयोग इतना चाहता हूँ कि जब मैं कॉलोनी में आऊँ मान लो ऐसे काम के लिए तो पुख्ता जगह बताएं, पुख्ता सबूत हो ये चीज होती है, अगर मैं वहाँ बात कर रहा हूँ तो वो चीज मिले। ठीक है, कई बार ऐसा होता है पुलिस झूठी पड़ जाती है तो बचने का रास्ता उल्टा हमारे ऊपर बात आती है। ठीक है, आप सभी इज्जतदार हैं, मैं आपके घर में कभी तलाशी के लिए घुस जाऊं बिना किसी चीज के लिए और कुछ ना मिले तो आप भी मेरे ऊपर उल्टा ये क्लेम करोगे जी मेरे को परेशान करने के लिए आए थे। ठीक है, तो आपको पुलिस का सहयोग करने में इतनी चीज करनी होगी कि सूचना दो, पुख्ता दो, कार्रवाई ना हो तब हम आपके गुनहगार हैं। ठीक है जी, इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर कोई सूचना मिले या पुख्ता सबूत होंगे तो मेरे को सूचना दोगे और हम कार्रवाई के लिए विश्वास करते हैं। धन्यवाद। ठीक है, दोबारा भी आऊँगा यहाँ पे, दोबारा क्या 12-14 जो भी जरूरत पड़ेगी वैसे आएंगे। और जहाँ तक ये दो गलियों की बात है तो बड़ा हैरानी हो रही है कि सिर्फ दो ही गली है, उसको आप सब भी नहीं संभाल पा रहे, हम भी नहीं संभाल पा रहे, तो कोई नहीं, अब सामने आई है ये चीज़, कोशिश करेंगे और मुझे भरोसा है कि कुछ ना कुछ तो निकलेगा रास्ता। अब ये तो नहीं कह रहा हूँ कि उनको उठा के कहीं और ही डाल के आ जाए हम काले पानी, वैसा तो नहीं हो पाएगा, पर हाँ कुछ तो जुगाड़ करेंगे। तो इंसान साहब आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस है आपका यहाँ, क्या क्यों दिक्कत हो रही है ये? एएसपी नरवाना सर जो यहाँ हाजिर आए हैं आप लोगों से मुखातिब होने के लिए नशे के बारे में, वो रखे थे, अब ये ऐसी चीज आ गई कि इसमें तो लोग बर्तन और जानवर और सब कुछ बेच के इस पे लगा देते हैं पूरा, तो बहुत ही खराब है। अब मैं तो ज़्यादा और कुछ क्या बोलूँगा, ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हमने किया हुआ है, आप लोग जितना इससे फ़ायदा उठा सकते हैं उठा लीजिए, आप अपने लिए उठाइए, आप पड़ोसियों के लिए उठाइए, मतलब वो कुल मिला के पूरे समाज के लिए ही होगा। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि कई लोगों ने यहाँ के, कई लोगों ने यहाँ भी बैठे हुए हैं उनमें से एक दो तो उन्होंने फ़ोन किए हैं इस वाले नंबर पर, यहाँ की समस्या के बारे में बताया है, तो काफ़ी ये लगा। एक तो एक दूसरे एरिए से जिनसे फ़ोन आया था वेस से, तो वही एक अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फिर दूसरा है कि अपने फैमिली के सारे मेंबर्स को दूर रखोगे, अगर बाई चांस गॉड ग्रेस ऐसा ना हो लेकिन फिर भी अगर है कोई मेंबर फैमिली का इस लत में कहीं लगा हुआ है तो उसको निकालने के लिए जो भी ऑलरेडी पता है क्या तरीके हो सकते हैं, उसको बिल्कुल बंद करना तो तरीका नहीं बनेगा, उसको तो इंजुरी हो जाएगी उसकी लाइफ को, तो डॉक्टर से ही कंसल्ट करके करवाना पड़ेगा, उसमें हम आपकी मदद करेंगे। तो आप बताइए इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप, आगे हेल्प करेंगे तो वो हाथ फिर नहीं मिलेगा, ठीक है ना? तो शायद यही आप कहीं इशारा कर रहे थे कि भाई कोई ना कोई बीच में पुलिस की साइड से गड़बड़ हो जाती है, लेकिन एक एक गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ, और कहीं तो शायद पुलिस वाले कहीं कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ किसी वजह से नजर आ जाती है, लेकिन ये जो नशे वाली है ना इनमें तो आजकल तो इस तरह का नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है उनके घर में भी बच्चे हैं लोग हैं, तो ये नशा तो जो इसमें मतलब इसको बढ़ाने में वो करता है उसका नाश ही होता है पूरा सच में। आपको एक और चीज़ है कि पहचानना भी आना चाहिए थोड़ा सा, कि इंजेक्शन से ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, गोली से ले रहे हैं, दवाइयों में भी नशे आ रहे हैं, टैबलेट्स बिक रही हैं और भी कई तरीके से हो रहा है। अभी इसी नंबर पे एक कुछ दिन पहले इन्फॉर्मेशन आई थी पानीपत से, तो पानीपत में रेड करवाई गई और वहाँ पे इंजेक्शन मिले, यूपी से ला के बेच रहे थे तो वहाँ कुछ इंजेक्शन भी मिल गए, तो हो सकता है जींद में भी वैसी चीज़ें चल रही हो, अभी तक तो नहीं सामने आई इंजेक्शन वाली तो, लेकिन चल रही होगी वो भी, हम नहीं पकड़ पाए। हाँ, बाकी स्मैक और सुल्फा और चरस ये सब ज़्यादा हो रहा है काफ़ी, लेकिन बड़ा ख़राब हो रहा है कि उस तरफ नरवाना की साइड तो पंजाब बॉर्डर है, चलो समझ में आ रहा है,
वहाँ से आ जा रहे हैं यहाँ बिल्कुल अंदर ही, ये तो हरियाणा का अंदर वाला पोर्शन हो गया जिंतु इस तरफ। यहाँ भी देखो कितना नंबर जारी कर रखा है, मोबाइल नंबर आप लोगों को बता दिया होगा, बताए हैं ये लग रहा सर, ये इस पे लिखा हुआ है, तो आप इस पे, ये मेरे पास ही रहता है ये नंबर, तो आप इस पे बताएंगे, आपको ये श्योर रहिए आपकी फोन नहीं उठेगा तो 10-15 मिनट में वापस भी आ जाएगा आपके पास पक्का। तो आप इस पे कोई भी सूचना दे सकते हैं, आपका नाम नंबर हम कहीं नहीं देंगे, मतलब मेरे पास ही रहेगा तो मैं ही नहीं दूंगा किसी को भी, लेकिन हाँ जो आप खबर दोगे वो काम करने लायक होगी उस दिन, तो उसी दिन हो जाएगा, एक दो दिन बाद अगर कुछ प्लान करके करना होगा तो वो भी करेंगे, ठीक है। लेकिन मतलब इस तरह का सहयोग चाहिए आपका कि आप सूचना देंगे, हो सकता है आप खुल के, मैं कह देता हूँ, हो सकता है मैं ही मिल जाऊँ उन लोगों में, तो भाई मेरे से भी ऊपर SP साहब बैठे हुए हैं तो वहाँ भी दी जा सकती है। तो मतलब कहने का है, अगर पुलिस का कोई आपको लगता है कि कहीं कौन सा महल बना के थोड़ी बैठे हुए हैं, हाँ ऐसे इधर उधर दाएं बाएं पड़े हुए हैं, बुरे हालात में ही रह रहे हैं जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, और अगर कोई ठीक ठाक रह भी ले रहा है तो 10 दिन बाद वो बर्बाद ही होगा। अब तो हम प्रॉपर्टी अटैच भी करते हैं 6 साल तक की, जैसे ही अगर कोई फंसता है कोई आदमी तो 6 साल पीछे तक की उसकी प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि उसने उससे कमाई है क्या, तो वो सारी ले लेते हैं, एक तरीका है उसको लेने का। तो वो ऑलरेडी जींद में 3 केस ऐसे हमने बनाए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटी छोटी प्रॉपर्टी हैं लेकिन बनाए हैं, और दूसरे हरियाणा में तो और कई जगह करोड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी जिनकी थी पता नहीं वो नशे से आई थी। आगे हेल्प करेंगे तो वो हाथ फिर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो शायद यही आप कहीं इशारा कर रहे थे कि भाई कोई ना कोई बीच में पुलिस की साइड से गड़बड़ हो जाती है, लेकिन एक गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ, और कहीं तो शायद पुलिस वाले कहीं कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ किसी वजह से नज़र आ जाती है, लेकिन ये जो नशे वाली है ना इनमें तो आजकल तो इस तरह का नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है, उनके घर में भी बच्चे हैं, लोग हैं, तो ये नशा तो जो इसमें मतलब इसको बढ़ाने में वो करता है उसका नाश ही होता है पूरा, सच में से चुपके से वो चरस बना बैठते हैं, कुछ भी और 2-3 आइटम बनते हैं इससे, वो बना लेते हैं, ठीक है। तो कैसे करें, है ना, तो कहाँ कहाँ सप्लाई कंट्रोल करेंगे, छोटी छोटी बताऊँ, आप बताइए, आप ही बोलिए कुछ, आप सामने बैठे हुए हैं बोलिए, कोई बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो बताइए भाई, आप कोई बताइए, कोई कॉलेज में है, कोई कॉलेज वाला स्टूडेंट है, नीचे से शुरू करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो प्रशासन आगे से एक्शन लेगा।